ये गेंद हमें किसने मारी? हमने पूछा ये गेंद हमें किसने मारी? ये गलती हमसे हुई है शहंशाह, हमने आपको जानबूझकर ये गेंद नहीं मारी, हम तो हैदर की ओर फेंक रहे थे। बस तो इसका मतलब है आपको गेंद फेंकना नहीं आता, आपका निशाना कहीं और था और गेंद कहीं और मारी आपने। सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस जाएं जहां खेलने के वक्त थे। क्या आप लोगों ने सुना? नहीं, हमने कहा कि खेलते वक्त जो आपकी जगह थी आप उस पर वापस जाएं। हम आपको सिखाएंगे कि गेंद कैसे फेंकते हैं। शेखू बाबा, ये गेंद उठाइए शेखू बाबा और मारिए हमारी तरफ। खेल हो या कोई भी काम हो, उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी तरफ मारिए, मारिए, उठाइए, मारिए, उठाइए। हम आपको सिखाएंगे कि गेंद कैसे फेंकते हैं। आइए मारिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। प्रणाम शहंशाह। आप बैठे रहे। ये आप क्या कर रहे हैं ज्योता बेगम? कान्हा के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। लेकिन आप तो अक्सर सफेद फूलों की माला बनाती हैं, तो फिर आज ये पीले फूल क्यों? रंग से क्या अंतर पड़ता है, बात श्रद्धा की होती है। ईश्वर को जो कुछ भी प्रेम से अर्पण करो वो स्वीकार कर लेते हैं। अरे शहंशाह, आप नीचे क्या बैठे? हम कर लेंगे, उठिए। क्यों, ये गाना जी की खिदमत सिर्फ आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं? वो आप ही का गाना है। ज्योता बेगम, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि ना ही आप ठीक से खाना खा रही हैं, ना ही आप ठीक से सो रही हैं। हम चाहते हैं कि शेखू बाबू को लेकर आप बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद की सेहत को नजरअंदाज करें। हुजूर, अब वक्त आ गया है आपका मंसूबा पूरा करने का। खबर मिली है कि शहंशाह और मरियम उज़्ज़मानी कल महल के बाहर जाने वाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बस अब हम जोधा बेगम को पाकर ही रहेंगे। अब आपको हमसे दूर कोई नहीं रख सकता जोधा बेगम। आपको पाने के बाद आपको हथियार बनाकर सबसे पहले हम अपने वालिद को आजाद कराएंगे और फिर उस जलाल को खत्म कर देंगे। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और जोधा बेगम आप हमारी बाहों में भी आ जाएंगे। जाओ जाओ, जाकर अपने आदमियों से कहो कि पूरी तरह से तैयार रहें। मौका मिलते ही हम उन पर हमला करेंगे, मगर ख्याल रहे ऐसा सुनहरा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा।
बरसों के इंतजार के बाद हमें ऐसा मौका मिला है और हम इसे अपने हाथ से जाया नहीं होने देना चाहते। ऐसी सोने की अशर्फियां तुम्हें काम होने के बाद और भी मिलेंगी, समझे? जाओ। चौदह बेगम। अदील बेटा, अपनी मासा को आदाब करो। सलीम बेटा, इधर आइए। सलीम, अपनी मासा के पास आइए। ये है हमारा वार जोधा बेगम। बिना नजर आए वार कर दिया है हमने आप पर। सलीम बेटा, आपने हमसे वादा किया था ना, आप हमेशा हमारी बात मानेंगे। जाइए, आपकी मासा बुला रही है आपको। अरे अच्छा सलीम बेटा, एक दिन के लिए हम महल से बाहर जा रहे हैं, जाएं? हमें क्षमा कर दीजिए सलीम, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे और ना ही हम आपको रात्रि को कहानी सुना पाएंगे और ना लोरी सुना पाएंगे। सलीम यहाँ देखिए। अच्छा हम तो जा रहे हैं, परंतु आपको अपना और अपनी दादी जान का ख्याल रखना है और समय पर आप भोजन कर लीजिएगा, देर तक जाग कर मत रहिएगा और हाँ मिट्टी में तो बिल्कुल मत खेलना, समझे? आप फिक्र न करें जोधा बेटा, सलीम की देखभाल करने के लिए हम हैं ना यहाँ पर। हाँ जोधा बेगम, सलीम की दादी जान और उनकी बड़ी अम्मी जान है उनके साथ, आप बेफिक्र होकर शहंशाह के साथ सैर पर जाइए। आदाब मलिका यादव, वो मरियम-उज़-ज़माने की पालकी तैयार है, शहंशाह बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखना बेटा। अच्छा अम्मी जान, आज्ञा दीजिए। आज्ञा कैसी, हमी ने तो जलाल से कहा था बाहर जाने के लिए, काफी वक्त हो गया है कि तुम दोनों एक साथ बाहर नहीं गए हो। अपने दिमाग पर तकलीफ क्यों? इसका जवाब हमारे बीरबल साहब देंगे। हुजूर का हुक्म सलाखों पर, अभी सोचते हैं। ऐसे कैसे मान ले? हमने देखा है भैंस बहुत बड़ी होती है, अकल को किसने देखा है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अकल बड़ी होती है? क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि हम बीरबल हैं, जो भी कहते हैं सही कहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको इस जवाब की वजह बतानी पड़ेगी। ये क्या बदतमीजी है, तुम शहजादे मुराद से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। इस वक्त आप बीरबल हैं और आपको हमें समझाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि भैंस बड़ी होती है, आप साबित कीजिए कि अकल। अकल? भैंस? अकल? भैंस? अकल? अरे लड़िए नहीं शहजादे, लड़िए नहीं। शहजादे मुराद सही कह रहे हैं, अकल बड़ी होती है। वजह हम बताते हैं, क्योंकि भैंस दूध देकर केवल एक परिवार का पेट भरती है, जबकि शहंशाह अपनी अकल से पूरे सल्तनत का पेट भरते हैं। तो हुई ना अकल बड़ी। आलमपना, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें भी यही लगता है कि अकल ही बड़ी होती। ये गलत है, शहंशाह बनना इतना आसान काम नहीं है, जो मन में आया वो कह दे रहे हैं। बेशक शहंशाह बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऐसे कई सवालों से बड़े होते हैं आवाम की नेप की, उनकी हिफाजत का सवाल, इनका हल निकालना कोई आसान काम नहीं। चलो चलो बाहर खेलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।